नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो मेडिवल हिस्ट्री पर है। 1000 ईस्वी से लेकर के 1600 तक का जो कार्यकाल है वो मेडिवल हिस्ट्री का माना जाता है, लेकिन आज हम 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण होंगे, जहां भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत होगी, अजमेर दरगाह की स्थापना होगी, कुतुब मीनार के फाउंडेशन की नींव रखने तक के चैप्टर को देख लेंगे। तो आज दोस्तों, कई बार हम ये देखते हैं कि बार बार क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। कभी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा जाना पूछा जाता है, तो कभी तराइन और त्रावड़ी के युद्धों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हम जिस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को हमने पूरे लेक्चर वाइज बनाया है और एंशियंट को भी साथ साथ बना रहे हैं, तो उसी तरीके से आज से मिडिवल हिस्ट्री का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनको हर रोज एक एक डायनेस्टी को मैं अपलोड करता जाऊंगा। आज इस वीडियो में हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक आप लोगों को इस पोर्शन के लिए कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन पॉइंट को यहां चुना गया है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आज आप लोगों को पहली बार यहां देखने को मिलेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, महमूद गजनवी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1000 ईस्वी से 12 तक ईस्वी में सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ा जाता है। दोस्तों, भारत पे आक्रमणों की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में अलेक्जेंडर से लेकर के चंगेज खान, गजनवी से लेकर के गोरी तक और बाबर से लेकर के तैमूर और नादिर शाह तक बहुत बार अटैक हुए हैं, लेकिन हम यहां मिडवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो पहले गजनवी को देखेंगे। महमूद गजनवी सुबुकत गीन का पुत्र था तथा अपने पिता के मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। चाहे गजनी हो या काबुल हो या कंधार हो, ये सभी अफगानिस्तान के अंदर हैं। दोस्तों, गजनी उस समय राजधानी हुआ करती थी और महमूद गजनवी अपने पिता सुबुकत गीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, वहां का राजा बना। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 998 में गद्दी पर बैठा और उसके बाद दो साल बाद 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनी के भारत के ऊपर कितने आक्रमण हुए? 17 आक्रमण हुए। इन 17 के 17 आक्रमणों को हम सिलसिलेवार देखेंगे, लेकिन इनमें से जो 4-5 अटैक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं तो इन 17 आक्रमणों में जो मुख्य आक्रमण है वो कौन से रहे हैं और किस किस जगह पर कौन से वर्ष हुए हैं। तो इसमें दोस्तों, सबसे पहले 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण भारत पर हुआ वो पेशावर पर हुआ। 1001 में जयपाल के साथ युद्ध हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, जयपाल के ऊपर 1001 में आक्रमण किया था और जयपाल हार गया था और महमूद गजनवी ने जयपाल को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसको इंसल्ट कर दिया और इंसल्ट करने के बाद छोड़कर चला गया। जब वापस छोड़कर चला गया तो जयपाल इतना अपमानित हुआ कि उसने उसके जाने के बाद अग्नि में कूद करके जान दे दी। तो ये जयपाल के ऊपर आक्रमण था। उसके बाद 1008-09 में हिंदूशाही राजधानी हुआ करती थी एक बैहिंद, जो पेशावर के नजदीक थे, हिंदू राज्य था। आनंदपाल के साथ वहां युद्ध हुआ और आनंदपाल को हरा करके बहुत सा धन दौलत वहां से लूट करके गजनवी लेके गया था। उसके बाद 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। यही वही थानेसर है जो थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी एक जमाने में हुआ करता था। इससे कुछ साल 2600 ईस्वी के आसपास, इससे 400-450 साल पहले का साम्राज्य काफी मजबूत था यहां। उसके बाद 1018 में कन्नौज पर आक्रमण कराया। यह कन्नौज दोस्तों हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी मानी जाती थी, जहां उसकी बहन की शादी हुई थी और उसकी बहन के हस्बैंड को शशांक ने किडनैप करके मार दिया था। तो वहां से सिलसिला यह कन्नौज का शुरू होता है। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। 1025 का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है गजनवी का, जब 1025 में गुजरात का सबसे धनी मंदिर था, सोने चांदी के जवाहरातों से सजा रहता था, उसे लूटा गया था। और 1027
यह आखिरी आक्रमण था महमूद गजनवी का भारत पर। आगरा के निकट भीरा के किले को पर आक्रमण किया गया। दोस्तों ये भीरा का किला, गजनवी का आखिरी आक्रमण यही था और बाबर का पहला आक्रमण भी भीरा का किला ही था। जाटों का साम्राज्य यहां हुआ करता था तो भीरा के किले को लूटा गया था। वैसे तो दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक आपने गजनवी के 17 आक्रमण देखे, लेकिन उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण 1000 वाला, 1001, 8 और 9, 1014, 18, 25 और 27। 27 और 1000 वाला, 1000 वाला पहला था तो 27 वाला आखिरी कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक और बुद्ध सिकन कहा जाता था। मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन इसलिए कहा जाता था कि उसने भारत में सभी देव देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था, और सिर्फ तोड़ा नहीं, यहां तक किया था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके वो अफगानिस्तान ले गया और वहां मस्जिद की सीढ़ियों पर उन देवी देवताओं के पत्थरों के टुकड़े लगवाए, और ये जताना चाहता था कि भारत के हिंदू देवी देवता आज भी मुस्लिमों के पांव के नीचे चलते रहते हैं या दबे हुए हैं। तो ये बहुत अपमानित महसूस करवाने वाली बात आज तक हमें लगती है, क्योंकि उसने अपने आप को कट्टर इस्लामिक दिखाने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा भी और उनको अपमानित भी किया। आप देख सकते हो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जहां आज भी इसके सबूत आपको देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में। महमूद गजनवी के साथ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन सा लेखक आया या फिर अलबरूनी किसके साथ आया। मशहूर अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पुराणों का सबसे पहले किस मुस्लिम ने अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी ही था, यानी महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी आया और पुराणों का, भारतीय पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम भी अलबरूनी ही माना जाता है। आगे एक प्रैक्टिस वर्क के रूप में आप देख सकते हो गजनवी को। यह मैंने पहले भी बताया है कि 1000 ईस्वी का आक्रमण उसका पहला माना जाता है पेशावर का, 1001 का। यह मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए किया है ताकि आप लोगों को पहले वाली चीजें एक बार प्रैक्टिस करने का थोड़ा मौका इसमें मिल जाए। 1000 ईस्वी वाला पहला आक्रमण पेशावर का, 1001 वाला मैंने आपको बताया था जयपाल वाला, 1008-09 में आप देखोगे तो बहिंद था, बहिंद राजधानी पेशावर के पास। 1014 का आप कहेंगे तो आपका थानेसर हरियाणा वाला, 1018 में बात करेंगे तो कन्नौज का आक्रमण हुआ, 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, और 1027 उसका आखिरी आक्रमण था जो भीरा के किले पर था। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रख लेंगे। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सुबुकतगिन का पुत्र था महमूद गजनवी, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 1000 ईस्वी से लेकर के 27 तक भारत पर 17 आक्रमण किए, जिनमें पहला 1000 वाला, आखिरी 1027 वाला, बीच बीच में आपने इनको देख लिया। मूर्ति भुंजक और बुद्ध सिकन उसको कहा जाता है, और उसी के साथ साथ उसके साथ अलबरूनी भी आया था। तो ये क्वेश्चन तो आपके गजनवी से बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और आक्रमणकारी का जिक्र आता है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत के ऊपर काफी बड़े अटैक रहे और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। आइए देखते हैं यहां के क्वेश्चनों को। सबसे पहले एक और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप इनको नोट डाउन करते चलें, नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें वो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के बेस से भी, यूपीएससी के आधार पर भी और दूसरे कंपटीशन एग्जाम के आधार पर सफिशियंट होंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो यहां वीडियो में डिस्कस नहीं किया हो, वरना नॉर्मल किताबों में, छोटे मोटे सेंटरों के नोट्स में ये चीजें दी नहीं जाती हैं। तो इसलिए यहां एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और हर उस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं या अब तक बने हुए हैं। आइए देखते हैं गोरी के बारे में। 1173 ईस्वी में सहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। सहाबुद्दीन मोहम्मद जिसका दूसरा नाम था मोइजुद्दीन बिन शाम, मोइजुद्दीन बिन शाम यानी सहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर 1173 में बैठा। यही व्यक्ति मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध रहा।
आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ। दोस्तों बाबर के और गोरी के पहले आक्रमणों के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। जैसे बाबर का पहला आक्रमण पानीपत का पहला युद्ध मानते हैं, बट वो था नहीं, उससे पहले भी कई साल पहले आक्रमण कर चुका था। उसी तरीके से जब बच्चे मोहम्मद गोरी के आक्रमण को तराइन का पहला युद्ध मान लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं था, उससे पहले भी वो भारत पर कई आक्रमण कर चुका था, उससे पहले उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका था भारत में। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। उसके बाद जाते हैं 1178। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय मोहम्मद गोरी का युद्ध वहां के शक्तिशाली राजा भीम सिंह द्वितीय, जिसका दूसरा नाम था मूलराज, से हुआ, जिसमें भीम सिंह द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक कैद में रखने के बाद उसे रिहा किया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार थी और उसे कई समय, काफी समय तक बंदी बनाया गया। उससे सब झूठी जो बातें जिनके दम पर वो युद्ध लड़ता था, सारी रणनीतियां उससे जानी गई। और ये भी कहा जाता है इतिहासकारों का कि भीम सिंह द्वितीय ने उसे माफ नहीं करना चाहिए था। अगर भीम सिंह द्वितीय मोहम्मद गोरी को यहां आजाद नहीं करता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। यहां बात धर्म की नहीं है, यह बात है भारत के ऊपर दूसरे देशों के आक्रमणकारियों के राज करने की, जहां से भारत के ऊपर विदेशी लोगों के राज हुए और देश की जनता को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से लूटा गया था। तो यहां यह भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कौन सी थी, कब हुई, किससे हुई, किस राजा ने गोरी को बंदी बनाया, कौन सा राजा था वो, क्या उसका दूसरा नाम था, तो ये किस राज्य का रहने वाला था, तो ये क्वेश्चन कई बार यहां पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। जिस समय मोहम्मद गोरी भारत के मुल्तान और दूसरे हिस्सों पर आक्रमण कर रहा था और उनको लूट रहा था, उन्हीं दिनों 14 साल का एक किशोर राजकुमार अजमेर की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को हरा दिया था। इसी लड़ाई में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उद्दल नामक दो भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनका भारतीय लोकगीत और लोक कथाओं में बहुत बार वर्णन मिलता है। आमतौर पर गांव से लेकर के सांस्कृतिक विरासत तक आल्हा उद्दल की कहानियां, उनके गीत और संगीत हर समय हमें लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच संघर्ष की शुरुआत की वजह क्या थी? दोस्तों दोनों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? दोनों के बीच संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों ने ही भटिंडा, जो उस समय तबर हिंद कहा जाता था, उस भटिंडा के क्षेत्र पर दावा करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय उसे अपना एरिया मानता था, तो मोहम्मद गोरी ने आक्रमणों से उस पर कब्जा करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और भटिंडा, जिसे तवर हिंद कहा जाता था, उसके ऊपर दोनों के अपने अपने दावे की वजह से दोनों में संघर्ष शुरू हुआ और यहीं पे तराइन के युद्धों की नींव रखी गई मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तराइन का पहला युद्ध, ये क्वेश्चन दोस्तों नेशनल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल जीएस में भी पूछा जाता है और हरियाणा के जब एग्जाम होते हैं तो वहां की जीके का भी सबसे पहला क्वेश्चन माना जाता है। नेशनल और हरियाणा दिल्ली जैसे राज्यों की स्टेट जीके का भी हिस्सा होता है। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज की इसमें जीत हुई। मोहम्मद गोरी कहां से आक्रमण करने आया था? गजनी से। गजनी अफगानिस्तान में है, गोरी की राजधानी हुआ करती थी। मोहम्मद गोरी ने गजनी से भारत पर आक्रमण किया। तराइन, तराइन का दोस्तों दूसरा नाम तरावड़ी भी है। तराइन हो या तरावड़ी हो, यह हरियाणा के करनाल क्षेत्र को कहा जाता है। तराइन यानी तरावड़ी हरियाणा के करनाल का क्षेत्र है, जो नेशनल हाईवे 1 पर पड़ता है। जब दिल्ली से और आप अमृतसर और बाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो पहले सोनीपत, फिर पानीपत और फिर करनाल आता है, जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनकर आते हैं। तो दोस्तों तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज की जीत हुई।
हार होने के बाद गोरी वापिस गजनी लौट गया और अपनी सेना की तैयारी में लग गया। पूरी तैयारी करके वो एक साल बाद फिर आया, जिसे त्राइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, सेकंड बैटल ऑफ त्राइन या त्रावड़ी कहा जाता है। एक साल बाद उसने दोबारा अटैक किया, 1192 में त्राइन के मैदान में ही दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इस बार गोरी की रणनीति काम आई, वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई। तो दोस्तों यहां पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेते थे कि त्राइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध कब हुए, अब ये नॉर्मल सी डेटें हैं, हर बच्चे को याद हो चुकी हैं, तो आजकल ये पूछ लेते हैं कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। यहां एक चीज याद रखना, अगर गोरी पहले युद्ध में जीत जाता तो दूसरा होना ही नहीं था, तो इसलिए पहले में वो हारा होगा तभी वो वापस गया और उसने दूसरा युद्ध करने का प्लान बनाया। और जब गोरी दूसरे में भी हारता तो तीसरा भी होना तय था, तो इस क्योंकि आक्रमणकारी थे, इनका निशाना बन चुका था ये एरिया, तो पहले में वो हारा इसलिए उसकी वो वापस गया, तो पहले में उसकी हार, और अगर उसकी हार है तो पृथ्वीराज की जीत होगी, और दूसरे में वो जीत गया इस वजह से तीसरा नहीं हुआ तो दूसरे में उसे जिताएंगे और पृथ्वीराज तृतीय की हार होगी। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध के मैदान में जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वो भाग नहीं पाया। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय बचकर भागा, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे उसे बंदी बना लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय को कौन सी नदी के किनारे से बंदी बनाया गया। ऑप्शन कई बार आता है, सरस्वती, सतलुज, यमुना, झेलम, गंगा, कई सारे ऑप्शन आपके नॉर्थ इंडिया के आ सकते हैं। तो दोस्तों त्राइन के दूसरे युद्ध में जब वो बच के भागा पृथ्वीराज तृतीय, तो सरस्वती नदी के किनारे उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ सालों तक उसे जेल में रखा गया और फिर अजमेर पर शासन करने दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर गोरी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, आमतौर पर जो टीवी सीरियलों में कई चीजें दिखाई जाती हैं वो मजे के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, बट भारतीय इतिहास को उसमें कई बार तार तार किया जाता है। जैसे आपने पद्मिनी की अभी पद्मावती मूवी में देखा, उससे पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हो, सीरियल वगैरह में देखते हो, कई सीरियल में दिखा दिया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय के एक बाण से गोरी की जान चली गई। तो दोस्तों ये देखने के लिए चीजें अच्छी हैं, लेकिन एग्जाम के पैटर्न से आप लोगों को समझना होगा। पृथ्वीराज तृतीय बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन हार हार होती है और जीत जीत होती है। तो दोस्तों इन चीजों में ना आए, क्योंकि गोरी की मृत्यु ही 1206 में जाकर के दमयक में हुई थी जब वो गजनी जा रहा था। तो यहां बाण वाली जो कहानी है वो घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपको उनसे डगमगाना नहीं है। कई बच्चे सीरियल देख करके, छोटी मोटी फिल्में देख कर, धारावाहिक देख करके अपना एक आईक्यू बना लेते हैं और एग्जाम में उनके क्वेश्चन गलत होते चले जाते हैं। तो वो बच्चे इस वीडियो से दूर ही रहें जो आमतौर पर सीरियल देख करके अपने अपने क्वेश्चनों को मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ लेते हैं। यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपिटिशन एग्जाम में तो एनसीईआरटी बेस पर पूछे जाते हैं, इंडिया के अंदर जितने भी किताबें और ग्रंथ हैं उनके आधार पर पूछे जाते हैं, तो उनके आधार पर ही हम यहां डिस्कस करते हैं और उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन के पैमाने एग्जामिनेशन सेंटर में सही माने जाते हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा इसको ध्यान करके समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। गोरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक पूछते हैं तो गोरी आएगा, लेकिन अगर वो पूछते हैं तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, तब आपका आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अलग आंसर रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक गुलाम था। तो दोनों चीजें अलग अलग याद रखना, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक गोरी था जिसने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया और एक भारत में पहले मुस्लिम राज्य की नींव रखी, लेकिन तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा जो उसका गुलाम था। उसकी मृत्यु के बाद 1206 में गद्दी पर बैठा। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्राइन के युद्ध के बाद गोरी गजनी लौट गया, गोरी वहां से वापस गजनी लौट गया और अपना शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। त्राइन के सेकंड युद्ध में जीतने के बाद वो वापस गजनी लौटा, क्योंकि गजनी भी उसकी मेन राजधानी थी और अपना जो सबसे विश्वसनीय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो यहां का राज्य सौंप करके गया। लेकिन 1194 में गजनी फिर भारत लौटा 50,000 घुड़सवारों के साथ
उसने यमुना नदी को पार किया और कन्नौज पर हमला किया। ध्यान रहे दोस्तों, यमुना नदी पार करने के बाद आपको यूपी में एंट्री मिलेगी और यूपी के अंदर ही कन्नौज है। तो यमुना नदी को पार किया 1194 में भारी सेना में घुड़सवार लेकर के और कन्नौज पर हमला कर दिया। कन्नौज के राजा उस समय जयसिंध हुआ करते थे। तो कन्नौज के निकट एक जगह है चंदावर, जैसे दिल्ली पर आक्रमण किया, युद्ध हुआ तरावड़ी या तराइन में। क्यों? क्योंकि राजधानी के बाहर रास्ते में ही दूसरी सेना को घेरा जाता था। तो कन्नौज का युद्ध चंदावर नामक स्थान पर हुआ और गोरी और जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई और गोरी की जीत हुई। 1194 के चंदावर के युद्ध के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युद्ध कब हुआ, कहां हुआ, किसके बीच हुआ, जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा कई बार होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों होने से भारत में तुर्क शासन की नींव रख दी, क्योंकि तराइन चंदावर ये ऐसी लड़ाइयां थी जिन लड़ाइयों ने मुस्लिम साम्राज्य की तो स्थापना की ही की, बाकी साथ साथ में तुर्की साम्राज्य की भी नींव रखवा दी कुतुबुद्दीन जैसे लोगों को, जब बाद में यहां शासन करने का मौका मिला। आगे कुछ और देखते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत पर आखिरी आक्रमण 1206 ईस्वी में हुआ, जब उसने बड़ी संख्या में खोखरों की हत्या की और उनके सभी सामानों को लूट लिया। दोस्तों ध्यान रखना, गोरी जो 1173 में गद्दी पर बैठा था उसका पहला आक्रमण पूछा जाता है 1175 आंसर आएगा, आखिरी आक्रमण पूछा जाता है तो 1206 आएगा, बीच में अगर बंदी बनने वाला पूछा जाता है तो 1178 आएगा, तराइन का पहला पूछा जाता है तो 1191 आएगा, दूसरा पूछा जाता है तो 1192 आएगा और अगर चंदावर का पूछते हैं तो 1194 आएगा। यह चीज भी आपको सोचनी पड़ेगी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला, जो उस समय के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, बहुत बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां पर विदेशों के लोग पढ़ने आते थे, हुएनसांग से लेकर के फायान जैसे लोग जहां पर 15-15 साल शिक्षा लेकर गए थे, उनको नष्ट कर दिया, जिनमें भारत का बहुमूल्य साहित्य उस समय मौजूद था। यह कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो 6 महीनों तक तो किताबों में आग जलती रही थी। आप सोच सकते हैं कि भारतीय इतिहास को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। आज हम जब छोटी छोटी किसी अलग से अजीब से राइटर की किताब पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारा खुद का इतिहास विदेशी आक्रमणकारियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया तो छोटी मोटी किताबें जब बची या उन जिन्होंने उन किताबों को पढ़ा था, जब उन लोगों ने दोबारा उन इतिहास को लिखा तो उनके पर्सनल विचार भी आए, कुछ चीजें भूलें, कुछ चीजें सच लिखी, कुछ चीजें उन्होंने अपनी भावनाओं के आधार पर लिखी। तो ये आपको ध्यान रखना है, विदेशी आक्रमणियों कारियों द्वारा कई बार इंडिया के इतिहास को डिस्ट्रॉय किया गया है, और चाहे आप यहां गोरी जैसे लोग हों, चाहे गजनी जैसे लोग हों, चाहे बाबर हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तैमूर हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे उसके साथ और आक्रमणकारी हो, भारतीय इतिहास को बार बार लूटा गया है। और आजादी के बाद जो नेहरू कालीन इतिहास लिखा गया उसमें उन्हीं मिलावट की चीजों को दोहराया गया है, लेकिन आज भी भारत की सरकार ने कोई इतना बड़ा खर्च नहीं उठाया कि देश के इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए, तो हम इसी के ऊपर आज तक जीवित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने नए सिक्के बनवाए थे, याद रखना। कन्नौज की विजय चंदावर के युद्ध वाली बात कर रहा हूं मैं, 1194 में जब उसने जयसिंध को हराया तो नए सिक्के बनवाए, जिन पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया गया। कलमा दोस्तों अरबी या मुस्लिमों के द्वारा उनकी भाषा में लिखा गया कोई मंत्र या नाम होता है जिसे कलमा कहते हैं, जो यहां से शुरू हुआ और मुगल डायनेस्टी में जाकर के बाद में उसको खत्म करवाया गया। तो उन्होंने नए सिक्के चलाए गोरी ने, और एक तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति तो दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया गया था, जो देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा गया था। आगे मोहम्मद गोरी के दो गुलाम कौन थे? दोस्तों मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका मैंने जिक्र किया, बख्तियार खिलजी, और दो उसके गुलाम थे। एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
जिसे उसने भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु के बाद 1206 में भारत का उत्तराधिकारी उसका बना और गुलाम वंश का संस्थापक बना, जिसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत की, इल्बरी डायनेस्टी की शुरुआत की, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक भारत में उसका उत्तराधिकारी रहा। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, ये आपके आपको स्लेव डायनेस्टी में, नेक्स्ट क्लास में स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं यालदोज। एक गुलाम उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था जो उसका उत्तराधिकारी भारत में बना, दूसरा गुलाम उसका यालदोज था। यालदोज उसका वो गुलाम था जिसने मोहम्मद गोरी के बाद गजनी का उत्तराधिकार संभाला, यानी दो गुलाम थे, एक ने भारत में उसका राज्य संभाला जो कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाया, एक ने गजनी में उसके उत्तराधिकार के राज्य को संभाला जो यालदोज के नाम से फेमस रहा। उसके आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी के साथ सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। दोस्तों सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संत माना जाता है, जिसके नाम से भारत में राजस्थान के अजमेर में दरगाह ए शरीफ है, चिश्ती की दरगाह है, यही सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, जिसके नाम से राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ है, जिसे भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान माना जाता है, और इसी मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। एक आया सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया? मोहम्मद गोरी के साथ दूसरा व्यक्ति आया बख्तियार काकी। बख्तियार काकी भी एक सूफी संत था जो उसके साथ भारत आया, और इसी बख्तियार काकी के नाम से भारत में कुतुब मीनार बनाया गया। यही बख्तियार काकी है जिसके नाम से कुतुब मीनार का फाउंडेशन करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, अलाई दरवाजा लगवाया खिलजी ने, और बिजली गिरने से जब नष्ट हुआ था तो मरम्मत करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये कुतुब मीनार जो है बख्तियार काकी के नाम है, जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था, दिल्ली में भारत की बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 15 मार्च 1206 ईस्वी को गजनी वापस जाते हुए दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। दोस्तों 15 मार्च 1206 को गजनी वापस जाते हुए दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। यहां पे गोरी और गजनी दोनों चैप्टरों में वो चीजें हमने डिस्कस की हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सब समझते हो। जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको बार बार यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। जब भी आप कोई बुकलेट या कोई नोट्स या कुछ उठा के देखोगे आपको पूरा टॉपिक ये नजर आएगा। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आमतौर पर सभी किताबों में नहीं मिलती हैं, ये एक ऐसा एनालिसिस किया गया है जिससे बाहर आपको इन दोनों टॉपिकों में एक भी पॉइंट नहीं आएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है आपसे, और ये मैं नहीं, बार बार के लास्ट ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, आने वाले पेपर आप देखिएगा, हर जगह आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये तो थैंक यू लेटर है ही आपके नाम आखिरी पेज पे, लेकिन एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगली ही उसमें जैसे इसमें कहा गया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड क्लियर मैनी कंसेप्ट, सो नाउ प्लीज लाइक comment and share with friends. If you are now new on our channel, then please subscribe and stay with us for serious study for all competitive exams. नेक्स्ट क्लास हमारी होगी दोस्तों सलेव डायनेस्टी को लेकर के, इसी चैप्टर में मैं चाहता हूं कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सब कुछ करवाया जाए। और एक चीज और है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में जितनी भी डायनेस्टी रही हैं उनको हम ट्रिक वाइज भी देखेंगे। जैसे डायनेस्टी का कई बार काल पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ, तो डायनेस्टी के लिए आप जैसे ट्रिक देखते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरीके से सारे की सारी डायनेस्टी आपको नजर आएंगी। जैसे एक ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो मुगलो, ये भारतीय इतिहास की मेडिवल हिस्ट्री की डायनेस्टी है। गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तो से तुगलक, सह से सैयद, लो से लोधी, मुगलों से मुगल, इस तरीके से भारतीय इतिहास में मेडिवल हिस्ट्री में डायनेस्टी है। पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी,
फिर मुगल, इस तरीके से हम इनको पढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कौन से डाउट क्लियर हुए, और आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, उस लिए इसको बताने के लिए आप प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहे और हमें भी पता लगता रहे कि आप लोग हमारे